स्वागत है आपका YouTube चैनल के आर अड्डा में। मैं कुमार विपुल जुड़ गया हूँ आपके साथ लेके 7 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 7 मई के लिए उनको हम देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही में इम्पॉर्टेंट है, और साथ में उनके डिटेल को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो की चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे वो आप तक मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस हमारी जो भी क्लास चलेगी उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका लिंक होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं सीधे। ठीक है, चलिए तो आज के अपने इस करंट अफेयर्स सेशन को स्टार्ट करते हैं हम, और एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आरबीआई हैज अनाउंस्ड SLTRO। SLTRO क्या है? स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, ये SLTRO के अंदर में आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए तक का देने के लिए किसके लिए अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, आरबीआई ने किसके लिए अनाउंसमेंट करी है कि वो SLTRO में ₹10,000 करोड़ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगा, जो कि 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं लोकल एरिया बैंक, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्लाइस बैंक। तो इसमें सही जवाब क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में 10,000 करोड़ रुपए तक के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई ने यहाँ पे पैकेज दिया हुआ है। दूसरा एक पैकेज यहाँ पे आया है हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, हेल्थ वर्कर्स के लिए आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि वो आरबीआई के पास से 50,000 करोड़ रुपए का आरबीआई ने पैकेज दिया है बैंकों के। ठीक है, बैंक क्या करेंगी, 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई से एट रेपो रेट लेंगी और ये 3 सालों के लिए होगा, अप टू 3 इयर्स। ठीक है, तो बैंक आरबीआई से 50,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी और ये हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए लोन अलॉट करेगी। किस पे लेगी? रेपो रेट पे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई देखो रेपो रेट तो 364 रेपो रेट तो जो है 1 डेज का होता है, बट इन्होंने 3 साल तक का बोला कि आपको 3 साल तक रेपो रेट के ऊपर ही देना है, बैंक रेट नहीं लगने वाला। ठीक है, अब ये कब तक ये लोन दे सकते हैं, तो इस लोन को देने की डेट रखी गई है 31 मार्च 2022 तक। समझना इस चीज को। अब देखो यहाँ पे आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया बैंक को, बोला कि आप 50,000 करोड़ रुपए हमसे ले जाए, जो सरप्लस आता है उसमें 50,000 करोड़ रुपए आप मेरे पास रखेंगे। ठीक है, आप मेरे पास रखेंगे और आपको इस पैसे के बदले में जो रिवर्स रेपो रेट है प्लस 40 BP हम आपको पे करेंगे, मतलब 3.35% का रिवर्स रेपो रेट और साथ में 0.40% एक्स्ट्रा, यानी कि आपको टोटल 3.75% के अमाउंट हम पेड करेंगे। डबल फायदा। देखो आरबीआई ने रेपो रेट पे बैंक को दिया, अब वो क्या करेंगे, लोन आगे प्रोवाइड करेंगे, तो बैंकों को यहाँ पे फायदा हुआ। दूसरा बोल रही है आप सरप्लस अमाउंट 50,000 हमारे पास लाइए और हम क्या करेंगे आपको 3.75% का इस पर इंटरेस्ट रेट देंगे, तो आप यहाँ से अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो भाई देखो इस चीज को अच्छे समझ लेना कि आरबीआई ने क्या किया है। आरबीआई ने 2 चीजें करी। सबसे पहले तो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस किसके लिए लाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, जो कि 31 अक्टूबर 2021 तक वैलिड है 10,000 करोड़ रुपए। दूसरा हेल्थ वर्कर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बैंक्स को बोला कि आप 50,000 करोड़ रुपए तक का फंड मेरे पास है, आप लोन लो और लोन लेके आगे प्रोवाइड करो। लोन कैसे लोगे, रेपो रेट पे, 3 साल तक की वैलिड होगा ये 31 मार्च 2022 तक तुम अलॉट कर सकते हो, यानी 2025 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आपके पास जो पैसा आता है उसका सरप्लस 50,000 करोड़ आप मेरे पास रखिए और हम आपको 3.75% का इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज पूरी आपको इंपॉर्टेंट होंगी कि ये आरबीआई की अनाउंसमेंट है और कैसे कैसे चीजें में चलने वाली है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है कि व्हेन इंटरनेशनल नो डाइट डे इज ऑब्जर्व सिंस 1992। तो यहाँ पे तो एक चीज पता चल गई कि भाई 1992 से ये मन रहा है, और क्या, इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई, 9 मई, 15 जून या 28 अप्रैल। तो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री हैज ग्रांट परमिशन फॉर द यूज ऑफ UAS। यूएएस क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, एक तरीके से कह लो सिंपल भाषा में ड्रोन।
तो किस मंत्रालय ने ड्रोन के यूज के लिए परमिशन दिया है, और कैसे? विच आर बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो लोगों के जो नजर है उस नजर से ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे ड्रोन्स के परमिशन के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है जो 1 सालों के लिए होगा। ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, बात समझ में आ रही है? बोला जा रहा है कि भारत में ड्रोन उड़ाना प्रोहिबिटेड है, आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, लेकिन ऐसे ड्रोन जो कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट के हैं और इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है, तो उनको उड़ाने के लिए आपको 1 साल का परमिशन दे रही है गवर्नमेंट। इस किस मंत्रालय की ओर से दिया गया है? ऑप्शन दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज। भाई ड्रोन की बात हो रही है, यानी उड़ाने की हवा में बात हो रही है, और हवा में क्या उड़ता है? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात कर लोगे तो इसके अभी के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नहीं है, ये साथ में क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लो, कि चूंकि मिनिस्टर हैं तो ये हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है, और ये पार्लियामेंट के मेंबर है तो ये कहाँ के हैं? राज्यसभा के। और किस स्टेट से आते हैं? ये उत्तर प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, राज्यसभा में ये मेंबर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रख रहा है कि रशियन कैनेडियन विटालिक बुटेरिन बिकेम यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर। भाई सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बने हैं, मात्र 27 साल की उम्र में, नाम है विटालिक बुटेरिन। बोला जा रहा है कि इनकी कंपनी का नाम क्या है। तो भाई विटालिक बुटेरिन ने कौन सी कंपनी बनाई थी जो क्रिप्टो फर्म है, क्रिप्टो करेंसीज को डील करती है, और 2014 में उन्होंने ये कंपनी स्टैब्लिश करी थी, ये भी जान लीजिए आप। ऑप्शन दे रखा है बिटडॉग, क्रिप्सो, इथेरियम और लिब्रा। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, इथेरियम। इनकी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? इथर है। अच्छा, लिब्रा, लिब्रा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, याद रखना लिब्रा क्या है। तो लिब्रा, लिब्रा इज द क्रिप्टो करेंसी ऑफ फेसबुक, ठीक है। इनका क्या कौन सी कंपनी है? इथेरियम। क्रिप्टो करेंसी का नाम इथर। क्या नाम है? विटालिक बुटेरिन, जो सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू कवर एप्लीकेबिलिटी ऑफ आधार। किस सोशल सिक्योरिटी कोड का जो सामाजिक सुरक्षा बिल है उसके किस सेक्शन को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉय और एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है वो फाइनली नोटिफाई कर दिया गया है, और ये किसके लिए है? तो ये आधार लिंक्ड सर्विसेज में जो आपके आधार डिटेल्स लिए जाते हैं उनको ये ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन है जिसको नोटिफाई किया गया है? ये है सेक्शन 142, याद रखना सेक्शन 142 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर है, जो आधार के अंदर के डिटेल को ऑथेंटिफाइड करता है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? तो जो आधार लिंक्ड सिस्टम्स हैं उनके लिए ही लाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, तो इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, संतोष गंगवार। और संतोष गंगवार की बात कर लो कि तो ये लोकसभा के मेंबर हैं, और कहाँ से? तो यूपी में बरेली से, ठीक है, यूपी में बरेली से ये लोकसभा के मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में सेंट्रल कैबिनेट ने डिसइन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द करेंट शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। भारत सरकार का भी वर्तमान में आईडीबीआई का में कितना पैसा? देखो आईडीबीआई की स्टैब्लिशमेंट जो की गई थी वो एज अ डेवलपमेंट बैंक की गई थी, इसका नाम ही देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है वो बेच दिया, और बेचने के बाद पूछा जा रहा है कि अभी करंटली इसकी फाइनल डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस चल रही है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कितना स्टेक है? ऑप्शन दे रखा है 48%, बी 49.24%, सी 27% और डी 0%। तो सही जवाब क्या है? 48%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी इसमें स्टेक होल्डिंग 48% की है, जबकि 49.254% की स्टेक होल्डिंग LIC की है, और अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें तो लगभग ये 97% पहुंच जाएगा, ठीक है। तो लगभग 97% की शेयर होल्डिंग ये दोनों मिलके रखते हैं, और LIC चूंकि इसमें मेजर शेयर होल्डर है तो ये इसका प्रमोटर है, प्रमोटर ऑफ IDBI है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी को प्रमोटर है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले LIC के बेचने के पहले इसकी प्रमोटर हुआ करती थी। क्लियर है? तो इतना है अभी 48% है, इसकी भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, LIC इसका प्रमोटर है, 49.24% LIC का स्टेक होल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4-time एशियन गेम्स मेडलिस्ट गुलाम मोहम्मद खान
डाइड रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? गुलाम मोहम्मद खान का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 4 बार एशियाई खेलों में पदक जीता हुआ था, और वो किस खेल से संबंधित हैं? तो पोलो, हॉकी, स्क्वैश या इक्वेस्ट्रियन? तो भाई ऑप्शन डी इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ये इक्वेस्ट्रियन से संबंधित थे। नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद खान। ये 4 टाइम के विनर रह चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड डिजिटल टैक्स। देखो इंडिया में अभी तक डिजिटल टैक्स नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिजिटल टैक्स लाया। इसके बारे में एक मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड डिजिटल टैक्स फॉर नॉन रेसिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल टैक्स इम्पोज करने वाली है। किसके लिए? ऐसी कंपनीज जो इंडिया से बाहर की हैं, टेक्नोलॉजिकल फर्म जैसे गूगल। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर कॉस्टली भी होगा, अभी हम इसकी बात करेंगे अभी एक अलग से वीडियो में। ठीक है, गूगल, एफबी, इन सब की बात कर रहे हैं, ट्विटर, इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड रेवेन्यू ऑफ यूजर्स लिमिट फॉर दिस टैक्स। भाई कितने तक के यूजर्स और रेवेन्यू के लिए छूट दी गई है डिजिटल टैक्स में, उसके ऊपर ये लगेगा। ऑप्शन दे रखा है रेवेन्यू 5 करोड़ और यूजर लिमिट 5 लाख, रेवेन्यू 4 करोड़, यूजर लिमिट 5 लाख, रेवेन्यू 2 करोड़, यूजर लिमिट 3 लाख, रेवेन्यू 5 करोड़ एंड यूजर लिमिट 2 लाख। तो क्या सही जवाब है? सी, आपकी रेवेन्यू थ्रेशोल्ड 2 करोड़ की होगी और यूजर लिमिट की 3 लाख की होगी। यदि इससे अधिक होता है तो फिर आपको गवर्नमेंट को डिजिटल टैक्स पे करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस गीता मित्तल बिकेम फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑनलाइन बेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वुमेन्स एसोसिएशन जो है इसकी ओर से दिया जाता है 2016 से। ठीक है भाई, वुमेन्स एसोसिएशन जो इंटरनेशनल कोर्ट का है वो ये अवार्ड देता है। और क्या नाम है? एर्लिन बेस्ट ग्लोबल विजन। ये गीता मित्तल को दिया जा रहा है किसके साथ? अलोंग विद मार्गरिटा लूना रामोस, जो कि कहाँ की है? मैक्सिको की है। आपसे पूछा जा रहा है कि गीता मित्तल भारत के किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं? ऑप्शन दे रखा है मद्रास, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पटना। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनी थी गीता मित्तल। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू और कश्मीर ये बनी थी, और अब इनको मिल रहा है ऑनलाइन बेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु हैज रिसीव्ड आइकन अवार्ड एट 2021 बिलीबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, और ये किसको मिला है? तो बियॉन्सी को, पिंक को, सकीरा को या फिर टेलर को। तो भाई ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है पिंक को, सिंगर पिंक को 2021 का आइकन अवार्ड दिया गया है बिलीबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। बाकी और भी सारे वीडियो अपने अलग अलग टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो आई होप